मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। दरअसल आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो एक बेहद ही संजीदा मुद्दा है। सरकार ने नियम 134 को लागू किया था, लेकिन अब सरकार ने नियम 134A को खत्म कर दिया है। अब इस नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10% सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार शिक्षा का अधिकार नियम RTE के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25% दाखिला दिलाएगी। सरकार कह रही है कि राइट टू एजुकेशन के तहत हम एडमिशन दिलाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब गरीब बच्चों का महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अब गरीब बच्चों के लिए महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा रह सकता है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134 से हटा लिया है। 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटों पर EWS वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। इसके अनुसार निजी स्कूल योग्य छात्रों से सरकारी स्कूलों में ली जाने वाली फीस के बराबर फीस ले सकते। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में 28 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। अब ये नियम सिर्फ नर्सरी और कक्षा 1 के बच्चों के लिए ही लागू होगा। हालांकि शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) लागू है। इसके तहत निजी स्कूलों में EWS छात्रों के लिए 25% सीटों का आरक्षण जरूरी है। ये आरक्षण केवल 8वीं कक्षा तक लागू होता है। आपको बता दें कि निजी स्कूल 134A के नियम के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए थे। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 134A को कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, लेकिन किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं दिलवाया गया। हमारी सरकार ने 134A को खत्म कर RTE लागू किया है, जिसमें 60% केंद्र सरकार मदद कर रही है। इस फैसले में 25% छात्रों को फायदा होगा। 134A मैं बह रहा देखो 134A कोर्ट ने शुरू किया, हमने कोर्ट का आदेश मान के 134A में एडमिशन करे। और मैं एक बात और कहता हूँ, 134A कांग्रेस के टाइम में आता, कांग्रेस ने एक सिंगल एडमिशन भी नहीं किया। जब हमारी सरकार बनी एडमिशन हमने ही चालू करे, उन्होंने कोई एडमिशन नहीं किया एक भी कांग्रेस के टाइम में, एक सिंगल एडमिशन भी नहीं किया। सुन लो, सुन लो, सुन लो, आठवीं तक हो रहे थे तो इसलिए अभिभावक नाराज हैं। नहीं नहीं, देखिए वो उसका क्या है कि जिस बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन है ना जी, वो परमानेंट एडमिशन रहेगा उसका, उसका एडमिशन परमानेंट रहेगा और वो लगातार चलता रहेगा, उसका स्कूल बदलने की जरूरत नहीं। गौरतलब है कि नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रवेश देने के लिए 10% कोटा निर्धारित किया गया था। इसके तहत छात्र प्राइवेट स्कूल में प्रवेश ले सकते थे और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे। अब इसे खत्म कर दिया गया है कि जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं वो 25% फ्री जो है प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाने हैं, और उसका जो घाटा पड़ेगा प्राइवेट स्कूलों को वो 75% बाकी पेरेंट्स से स्कूल चार्ज कर सकता है। ये 134A था कि जो 25% बच्चे हमने फ्री पढ़ाने हैं उनकी भरपाई हम बाकी 75% पेरेंट्स से कर सकते हैं। तो हमने एसोसिएशन के नाते ये कहना शुरू किया कि 25% का बोझ 75% पे क्यों, कि दूसरे 75% इसका बोझ क्यों वहन करें। वो भी ज्यादातर जो है गरीब अभिभावक हैं, उनकी भी इतनी सक्षमता नहीं है। तो इससे सरकार ने जब हमने कहा तो उनको ये लगा उस समय की तत्कालीन सरकार को कि 75% लोग जो हैं इससे नाराज हो सकते हैं 25% को खुश करने के चक्कर में। तो तब मीटिंग हुई और उसमें उस लाइन को हटा दिया गया कि अब इसका बोझ किस पे पड़ेगा, वो लाइन साइलेंट कर दी गई कि पैसा कहां से आएगा, जो घाटा होगा कहां से पूरा होगा, और 25% को 10% कर दिया गया। मतलब एक तरफ तो सरकार कह रही है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, इसके लिए निजी स्कूलों में EWS छात्रों के लिए 25% सीटों का आरक्षण जरूरी किया गया है,
वहीं 134 के खत्म कर देने के बाद ये आरक्षण केवल 8वीं कक्षा तक लागू होता है। तो ऐसे में फिर गरीब बच्चों का 12वीं तक पढ़ने का सपना कैसे पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो क्या महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे अब नौनिहाल? 10% का जो कोटा होता था, जो रिजर्वेशन होता था 134 के तहत, उसकी जगह सरकार कह रही है कि गरीब बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह अब हम 25% का वो रिजर्वेशन रखेंगे और एक तरीके से उनकी भलाई के लिए है। 134 के तहत जिन बच्चों को एडमिशन इस साल मिल गया है, उनकी पढ़ाई जो की त्यों चलेगी, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। राइट टू एजुकेशन का जिक्र कर रही है सरकार कि राइट टू एजुकेशन के तहत अब हम गरीब बच्चों का दाखिला कराएंगे। 134A को क्यों लाया गया, 134A को क्यों खत्म किया गया, सरकार ने इसमें ऐसी कौन सी खामियां देखी जिसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता था, और अब सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत दाखिले की जो बात कह रही है, इसे लेकर अभिभावकों में किस तरह का मैसेज गया है, और उनके जहन में अगर कोई सवाल है तो सरकार उनकी भी है, उनको भी पूछने का पूरा हक है। पैनल में हम इन्हीं सवालों को रखेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या गरीब छात्रों का सपना अब अधूरा रह जाएगा, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के का जो उनका सपना है, एक उज्ज्वल भविष्य का जो उनका सपना है, उसे पूरा कराने को लेकर सरकार अपनी प्रतिबद्धता साबित करेगी। ये ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब हम तलाशेंगे। पैनल से मिलवाओ, उससे पहले ये हम वही अधिसूचना आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जो नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया कि हम 134A के नियम को खत्म करते हैं। तो शुरू क्या कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। कह रहे राइट टू एजुकेशन के तहत हम एडमिशन देंगे। कई सवाल तो ऐसे भी आए कि राइट टू एजुकेशन नया थोड़ी है, तो तब भी था जब आप लेकर आए थे 134A। इस पर आइए जवाब के लिए रुख करते हैं पैरल की तरफ। कुलभूषण भारद्वाज हैं हमारे साथ यहाँ पर, पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से आए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। पवन नेहरा है जिला महासचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। पवन साहब आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर प्रोफेसर सुभाष सप्रा आपका, आप शिक्षाविद हैं और हम इस पर ये तीसरी डिबेट में बैठे हैं। सर आरएस दहिया हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दहिया साहब मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ, और रंजिता मेहता हैं प्रवक्ता बीजेपी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। राय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी आवाज मिल रही है, नमस्कार, स्वागत है आपका। फ्रेम हिल रहा है बहुत आपका, चलिए अगर सुन रहे हैं तो आप जरा पैनल को सुनिए, मैं बाद में आ जाऊंगी आपके पास। रंजिता मेहता शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मैम राइट टू एजुकेशन के तहत आप एडमिशन दिलाएंगे, 134A को खत्म कर दिया, इसमें ऐसी कौन सी खामियां देखी कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि आप लोगों ने बहुत कड़ी मशक्कत की कि राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे मेरिट लिस्ट में उन सबको एडमिशन मिल जाए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप लोगों ने आगे बढ़ाई और आपके प्रयास दिखे, वाकई आप लोग प्रयासरत थे, फिर क्यों हटाना पड़ा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जवाब ले रहे हैं, मैडम जवाब दे रही है और उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर फोन पर आवाज उठा सकते हैं तो वहां देखिए, नहीं तो मैं दोबारा आऊंगी। मैम दोहरा देंगी, आवाज नहीं आ रही, मैम दोबारा आ जाऊंगी मैं आपके पास। कुलभूषण जी मैं आपके आपकी तरफ रुख कर रही हूँ, पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं आप, एक अभिभावक के तौर पर सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से जो अभिभावकगण है अपने बच्चों के दाखिले के लिए 134A के अंतर्गत वो सड़कों पर धक्के खा रहे थे, वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, और उनको जो हर बार एक आश्वासन दिया जा रहा था, और आज लगभग 3 माह के पश्चात उनके बच्चों से जो टेस्ट लिए गए बड़े बड़े स्कूलों ने, और उसमें वो बच्चे पास हुए, और फिर उनको कहा कि आपका हम इसमें एडमिशन करें, इस प्रकार के जो सपने थे और वो सपने उन गरीब बच्चों ने देखे, उनके अभिभावकों ने देखे जी। ये जो एकदम से 134A को समाप्त करना, मैं समझता हूँ कि ये संवेदनहीनता है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा, जिसे कहते ना कि
बच्चों के साथ एक आर्थिक रूप से कमजोर 134A के अंतर्गत आने वाले अभिभावकों के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक है। तो अगर सरकार को इस प्रकार की कोई भी नीति को लाना था, इस कानून को रद्द करना था, तो 3 माह से इनसे कोई पूछने वाला हो क्यों आपने अभिभावकों को बच्चों सहित सड़कों पर और अधिकारियों को चक्कर काटने पर मजबूर किया। ठीक है रंजिता जी, अगर आप ऑडियो आप तक मिल रही हो तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा। पवन नेहरा जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से है आप, आपने तो हाथों हाथ इस फैसले को लिया होगा। बिल्कुल, देखिए हम काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे सरकार से कि 134A के तहत हम काफी लंबे समय से बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। जैसा सरकार ने हमसे कहा वैसा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से हमें किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ था। तो इस बार हमने इसका विरोध किया कि या तो हमें भुगतान दिया जाए, अन्यथा हम बच्चों का एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। दूसरी इसमें बड़ी एक खामी थी, बड़ी भारी खामी थी, वो ये थी कि जो संपन्न परिवार का बच्चा है वो भी किसी ना किसी स्कूल में जाकर के एडमिशन के लिए टेस्ट देता है, और टेस्ट तो पास हो जाता है तो फिर वो अगले बड़े स्कूल के लिए उसकी तैयारी करता है। तो जब एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है और वहां इतना अच्छा टेस्ट वो दे रहा है कि वो दूसरे बड़े स्कूल का टेस्ट क्लियर कर पा रहा है, तो उसे ऊपर जाने की जरूरत क्या है। मैं तो ये दूसरी जो संपन्न परिवार से वो भी इसमें आ रहा था, तो हम तो इस बात की कोशिश कर ही रहे थे कि इस तरह की जो खामियां हैं ये दूर की जाए, और स्कूल संचालकों को जो कि कोविड के टाइम पे बिल्कुल मारे गए हैं, 2 साल से लगभग कोई स्कूल नहीं खुला, फीस नहीं आई, उसके लिए उनके पर बहुत बड़ा बोझ था, कर्जे में थे, तो उस बात को लेकर के हम उसकी डिमांड कर रहे थे कि मेरा सब। आपने दो बातें कही, एक तो आपने एक खामी का जिक्र किया कि जो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में आने लायक है, इतना वो पढ़ रहा है उस स्कूल में, उसे ऊपर जाने की जरूरत क्या, ये आपने इस खामी का जिक्र किया। इससे पहले आपने जिक्र किया कि हमने सरकार को ये चेताया था कि या तो आप भुगतान दीजिए, हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कीजिए, नहीं तो एडमिशन नहीं, इसका क्या जवाब मिला। नहीं, कोई नुकसान की बात हमने नहीं करी थी, हमने ये कहा था वो सरकार का वादा था, सरकार ने दिया था कि हम इतने पैसे आपको पर बच्चा देंगे, वो उन्होंने देना था, वो साल भर दर साल मिल जाना चाहिए था, वो 7-8 साल तक हमें नहीं मिला, फिर भी हमने उसकी डिमांड नहीं की। लेकिन अब कोविड में जब हम खुद भी डूब रहे थे, हमारा अभिभावक भी डूब रहा था, हमारे टीचर्स भी डूब रहे थे, हमारा बाकी स्टाफ डूब रहा था, तो सवाल ये था पवन नेहरा साहब, सवाल ये था यहाँ पर कि भुगतान दीजिए आप, नहीं तो एडमिशन नहीं, इसका क्या जवाब मिला। इसका जवाब ये मिला कि उन्होंने भुगतान कुछ तो करने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत शायद किया भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया है, और उसका जवाब ये मिला कि 134A को हटा दिया गया। रंजिता जी की ऑडियो स्टूडियो में दीजिए। अनामिका जी, आप बेहतर आवाज आ रही है, बोलिए मैम। शुक्रिया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने इस सेंसिटिव इशू को उठाया और जिस तरीके की भ्रांतियां लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ परोसने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आज आपकी डिबेट को देखकर तो शीशे की तरह क्लियर उनकी जो सोच है वो हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैडम, कर दीजिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी दुविधा जो हर साल देखने को मिलती थी अभिभावकों के बीच में और स्कूल के बीच में, कि एडमिशन होती नहीं थी, वो सर दर के धक्के खाते थे, 2-2 महीने बच्चे सड़कों पे होते थे, आधा सिलेबस निकल जाता था और बच्चों की एडमिशन नहीं हो पाती थी, और काफी तो दूर की बात है। तो इन सारे झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए आज इस नियम को खत्म किया गया है, क्योंकि इसके जैसा कमजोर विवादास्पद आधा अधूरा नियम था जिसको हटाकर हमने एक संवैधानिक सशक्त प्रभावी और व्यापक जो है एक केंद्रीय एक्ट से संचालित अधिनियम 12 को लागू किया है, जिसके तहत जो पहले 10% होती थी उसको बढ़ाकर हमने 25% कर दिया है। जहां पर पहले 20,000 बच्चे इसका फायदा ले सकते थे, आज वही 50,000 हरियाणा के बच्चे इसका फायदा ले पाएंगे। इसके तहत पहले सिर्फ जो मेधावी बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, सिर्फ वही टेस्ट पास करके एडमिशन ले पाते थे, पर इसके आने के बाद गरीब बच्चा चाहे वो कितनी भी पास से है, किसी भी लेवल का है, एससी है, बीसी है, विकलांग है, किसी गरीब परिवार से है, एचआईवी प्रभावित है, ये हर बच्चा जो शिक्षा लेना चाहता है उसके ऊपर ये लागू होगा।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पहले क्या होता था कि सिर्फ कुछ फीस माफी होती थी, बाकी चीजें अभिभावकों को देनी पड़ती थी। अब पूरी की पूरी फीस जो है इसमें माफ की गई है सरकार के द्वारा, जिसकी पेमेंट 60% तो सेंटर करेगा और 40% जो है वो हरियाणा की सरकार करेगी। अभी यहाँ पे पवन नेहरा जी बोल रहे थे कि 7 सालों से हमें पेमेंट नहीं हुई, तो मैं आपकी और सभी स्कूल वालों की जानकारी के लिए बता दूं, जिनकी नियम में जिन्होंने पूरी नियमों और शर्तों को माना है उनकी एक भी पेमेंट को सरकार ने नहीं रोका। 70 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट सभी प्राइवेट स्कूलों को जो हमारे हरियाणा के अंदर चल रहे हैं उनको हमारी सरकार के द्वारा दी गई है, किसी की भी पेमेंट रोकी नहीं गई है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले हाईकोर्ट का निर्देश था कि पर बच्चा सिर्फ 25 रुपए फीस अलाउड थी, जब 2017 में रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री थे तो इनकी उनके साथ मीटिंग हुई तो तब इन्होंने खुद रेट तय करवाए थे कि पहली से छठी तक 300 रुपए बच्चा और जो अर्बन स्कूल है उसका 500 रुपए बच्चा और छहवीं से आठवीं तक 800 रुपए पर बच्चा इन्होंने क्लेम किया था और बकायदा उसके अकॉर्डिंगली ही सरकारों ने उनको रिवर्समेंट दी है। सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक्ट जो आया था 2009 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, पर अफसोस की बात यह है कि इन्होंने पूरा ड्राफ्ट तो बना दिया पर एक भी बच्चे की एडमिशन इन्होंने अपने टेन्योर में नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट की फटकार लगी इनको, तब जाकर 2013 में इन्होंने सिर्फ 4 बच्चों की एडमिशन की। हमारी सरकार आने के बाद हमने इसको लागू करके बच्चों की एडमिशन की, पर धीरे धीरे हर साल जिस तरीके से क्लेश पड़ते थे हमें इसकी खामियां हमारे सामने आने शुरू हुई कि किस तरीके से अभिभावक अब चक्कर लगाते हैं और जो पेरेंट्स को परेशानी होती है उनकी एडमिशन नहीं होती और जो स्कूल है वो अपनी मनमानी करते हैं। कांग्रेस का जवाब मैं उनसे ले लूंगी। पवन नेहरा ने जो कहा, आपने हालांकि अपनी बात रखी है लेकिन पूरी तरह रखी है इस पर, कि उन्होंने भुगतान मांगा प्राइवेट स्कूल वालों ने, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत भुगतान किया और फिर इस फैसले को ही खत्म कर दिया 134 से कोई बिल्कुल गलत क्लेम कर रहे हैं अमन नेहरा जी। टोटल 8600 स्कूल है प्राइवेट, जिसके अंदर 2.5 लाख सीट है। हमने 1209 जो प्राइवेट स्कूल है जो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे थे सिर्फ उनकी पेमेंट रोकी थी, बाकी सभी लोगों की पेमेंट पूरी हुई है, इनको बकायदा दो। पवन जी कुछ कोट कर रहे हैं शायद आपको, हालांकि जाना कांग्रेस के पास है लेकिन बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। रंजीता मेहता जी, जो स्कूल कोई नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे थे आपने उसमें एडमिशन क्यों करवाए थे, आप मुझे इस बात का जवाब दे पाएंगे? ठीक है, हो गया, बोलने दीजिए रंजीता जी। आरुष, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है इसको बकायदा नोटिस दिए गए थे कि आप इस तरीके से पहले अपनी मान्यता अगर रद्द नहीं करवाना चाहते तो अपने नॉर्म को पूरा कीजिए। किसी भी स्कूल को ये इजाजतें दी जाती है ताकि आप सुचारू रूप से स्कूल चलाए, बच्चों को पढ़ाएं, पर उसके बावजूद नोटिस के बावजूद अगर आप अपने नॉर्म पूरे नहीं करते तो सरकार को भी सख्ताई बरतनी पड़ती है। अगर आप अपने नॉर्म पूरे नहीं करते, आप बच्चों को शिक्षा पूरी नहीं दे रहे, वहाँ पे बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे बच्चों के पास क्लासरूम नहीं है, किसी भी नॉर्म को अगर आप पूरा नहीं करते तो आपके ऊपर वो नियम लागू होंगे। हमने बकायदा बार बार नोटिस देकर उन स्कूलों को चिताया है कि आप अपने नोटिस पूरे कीजिए, बल्कि जो 8600 स्कूल कुल मिलाकर, मैडम आप ये कह रही जिसे बहुत सरल रखते हैं, कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि हम बेहतरी के लिए 134 से लेकर आए थे लेकिन हर साल एक अलग तरह का क्लेश हो जाता था, तो हमने उससे भी बेहतर करने की अब कोशिश की, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल कह रही हूं। ठीक है, जो 10% कोटा था उसको बढ़ा। राय सिंह जी हैं क्या? राय सिंह जी जी सर बोलिए। अनामिका जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है सर। देखिए, जिस प्रकार मैंने पूरे संवाद प्रक्रिया को सुना, उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथी मित्र भी उसी प्रकार से ध्यान से सुनेंगे। जोर देकर जो कह रहे हैं उससे पहले एक बार हम और आप प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, पिछले 6 महीने से दर्जनों से अधिक बार आपने 134 की समस्या को उठाकर कहा कि कहाँ जाएंगे गरीब बच्चे, इनका एडमिशन कहाँ होगा, दाखिला कहाँ होगा, सड़कों पर फटक रहे अभिभावकों को रास्ता कहाँ मिलेगा। आपको याद होगा नामिका जी, उस समय भाजपा के ये प्रवक्ता और मंत्री जी क्या कहा करते थे कि मनोहर लाल खट्टर का संकल्प है, हम दाखिला देंगे देंगे देंगे। आज जिनको शर्म आनी चाहिए कि आज इन्होंने आखिर में आकर कुछ कानून को रद्द कर दिया जिसके आधार पर ये दाखिला देने की बात करते, आज ये नए नए तरीके से पैंती से दूसरे रास्ते बता रहे हैं। अरे व्यवहार में जिसको आप 7 साल से बड़े बने कानून को नहीं ला पाए, आज आप उस कानून को लेकर जब आपके पास कानून का रास्ता नहीं बचा, जब आपने गरीबों को सड़क पर खड़ा कर दिया, विभाव और चिंतित रहे और आज आप नई ड्रामेबाजी कर रहे हैं।
इनको बताया जाता है कि आपको रास्ता भटकाना है, आपको बहकाना है, तो इस प्रकार ठीक है। मैं एक मिनट के लिए रोक रही हूँ। नहीं रंजिता जी प्लीज, दो मेहमान और है, मैं आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी। अभी दो मेहमान ने बोलना शुरू भी नहीं किया। राय सिंह जी, आपको ये ड्रामा क्यों लग रहा है? वो कह रहे हैं हम 10% की जगह 25% करवाएंगे एडमिशन इनका, वो कई सारी और सुविधाएं और सेवाएं गिनवा रही हैं, तो ये आपको इनकी कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है क्या राय सिंह जी? क्या अनामी का याद नहीं मानते जिन्होंने एक वर्ष से कहते आ रहे हैं एक बार कि हम 134 के तहत दाखिला देंगे तो आज क्यों नहीं? एक बात, दूसरी बात, इनकी कथनी करने में का अंतर है? हरियाणा के अंदर प्राइवेट संस्थान है, डिप्लोमा के कॉलेज हैं, यहाँ पर पॉलिटेक्निक्स हैं, यहाँ पर गरीब बच्चों को दाखिला मिलता था और सरकार कांग्रेस की सरकार ने तय किया था कि लगभग 25% अधिक गरीब बच्चों को दाखिला मिलेगा और फीस सरकार देगी। भाजपा की सरकार ने क्या किया कि पिछले 3-4 वर्षों से उन गरीब बच्चों के दाखिले की फीस देनी बंद कर दी। हजारों बच्चे आज मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊँ। ठीक है, आपने कहा कथनी करनी में अंतर है तो कैसे यकीन करें? लिख लीजिए रंजिता जी, आ रही हूँ मैडम, आ रही हूँ। और प्रोफेसर सुभाष, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी मैडम, मैं पहले इस डिबेट में कई बार बैठा हूँ, आपके यहाँ चैनल पे भी बैठा हूँ। ये वास्तव में बनाया ये गरीबों के लिए है, बिल्कुल जो बिल्कुल निम्न श्रेणी, आर्थिक जिनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। परंतु ये जो लड़ाई भी हमने देखी है पिछले इस सेशन में, विशेषकर इस सेशन में, सरकार वर्सेस जो प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन हैं, ये लड़ाई चल रही थी डेबिट और क्रेडिट का मामला। प्राइवेट स्कूल कह रहे थे जी आप हमें जो रिइंबर्समेंट है वो नहीं दे रहे, और गवर्नमेंट ये कह रही थी कई बार, जहां डिबेट में बीजेपी साथी या एसोसिएशन वाले साथियों ने बोला है, गवर्नमेंट कह रही थी हमारे खाते से पैसे चले गए, यानी हमारे अकाउंट से तो पैसे डेबिट हो गए जो हमने रिइंबर्समेंट देनी थी, और प्राइवेट एसोसिएशन जैसे अभी साथी हमारे अभी भी यही कह रहे हैं हमारे अकाउंट में आए नहीं है। मतलब ये कोई 2-4 रुपए का मामला तो है नहीं भाई, वो किसी ने कैश दिया है। मतलब ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही और गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है पूरी तरह से जो है प्राइवेट जो स्कूल है, पॉइंट पर है, इसीलिए मैं यहीं पर सवाल पूछ लेता हूं। बोलिएगा, प्राइवेट कह रहे हैं कि इन्होंने कहा पैसे नहीं मिले, मिले तो बहुत थोड़े मिले हैं, पूरा नहीं दिया और हमने मांगा इसलिए इन्होंने वापस ले लिया 134 से, तो इनके आरोप में आपको सच्चाई दिख रही है या जो रंजिता मेहता कह रही है उसमें आपको सच्चाई दिख रही है? गवर्नमेंट ने मतलब वो ये बोलती रही थी आपने ये नॉर्म पूरे नहीं किए इसलिए आप इसमें ये कमियां थी, जैसे आपने ऑडिट ही नहीं करवाया, आपने ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं भेजी। ये कह रहे थे जी अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजी तो आप ऑडिट रिपोर्ट मंगवाओ, अगर फिर भी ऑडिट रिपोर्ट अपनी नहीं भेजते उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करो आप है। अब इसकी ढील किसकी है? वो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं इनकी मिली भगत तो होती है, देखो वहां पे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, 30 शिक्षा सदन में बैठे हुए हैं, अगर कोई कमी है तो आप एक्शन लो ना उसके विरुद्ध, और अगर इनकी जो अपनी रिइंबर्समेंट है तो पूरी दी जाए उसको है। मतलब ये जो लड़ाई इसमें पिस्ता कौन रहा? गरीब बच्चे उनके पेरेंट्स। हमने देखा है वो सर्दी हो या गर्मी वो नारेबाजी करते रहे, बेचारे प्रदर्शन करते रहे, और कुछ मतलब डीसी साहब एडमिशन दो के यस छोटे मासूम बच्चे डीसी अंकल, ये लापरवाही किसकी रही? ये गवर्नमेंट की रही। गवर्नमेंट अपने दायित्व से कैसे भागेगी है? और ये अब ये उन्होंने अब ये कह रहे हैं जी 10% से 25% कर रहे हैं, अब ये स्कूलों में एडमिशन करेंगे किसमें जी? जो संस्कृति संस्कृति मॉडल स्कूल में, और वो किसके हैं? गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट के स्कूलों की स्थिति क्या है वो हमें पता है। आज अब अपने गवर्नमेंट स्कूल ले लो, गवर्नमेंट स्कूल ले लो जहाँ पे टीचर्स नहीं है, सारे खाली पड़े हैं पद एकदम ही, बैठने की बेंच नहीं है, पंखा चलता नहीं है, पंखा चलेगा तो सर्दियों में क्या पता गलती से चल जाए, मतलब इट इज हैपनिंग है। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों में चाहे वो DPS है, अब इनकी अपनी बिल्डिंग्स अपना जो स्ट्रक्चर है वो बेचारे उससे वंचित रहेंगे, और जो गरीब बच्चे हैं वो भी चाहते हैं हम अब। परंतु ये भी साथ साथ है, मैं अपने माननीय जो शिक्षा मंत्री जी उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था भाई, इसमें तो जो निजी स्कूल वाले जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले लेते थे जो अच्छे संपन्न है, ये अभी हमारे साथी भी कह रहे हैं, अगर वो निजी स्कूल वाले या अच्छे बच्चे उसमें ले रहे हैं तो इसकी में ढील किसकी है? और जिनको ये, इसका लाभ मिलना चाहिए तो रहे। हाँ, ये गवर्नमेंट की ढील है। गवर्नमेंट किस लिए है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। आरएस दहिया जी,
आपने सबको सुना और मैं जानबूझकर ज्यादातर डिबेट में विश्लेषक के पास आखिर में जाती हूँ विश्लेषण के लिए। आपको क्या लगता है, गरीब छात्रों का सपना अब अधूरा रह जाएगा 134 से समाप्त होने से, या सरकार और बेहतर करते हुए दिख रही है आपको? नहीं, इसमें ये तो नहीं कह सकते कि हम गरीब छात्रों का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं दोनों सरकारों की बात बताऊंगा। जरूर। ये जब भूपेंद्र हुड्डा जी ने इसको लागू किया तो वो पूरा मैकेनिज्म नहीं था, उन्होंने उसका कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया ना और किया इसके। फिर ये बात आगे चलती रही। अब मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है इनसे ये प्राइवेट स्कूल्स की आपस में बहुत टसल्स रही। क्यों रही? अगर ये पूरा मैकेनिज्म होता तो टसल्स नहीं रहती। जिन बच्चों को सही मायनों में एडमिशन लेना चाहिए उनको तो कभी एडमिशन नहीं हुआ 8-10 साल में, नॉट इवन सिंगल वन। किसको फायदा हुआ? जो संपन्न बच्चे हैं, जो ज्यादा बोलते हैं। आप ये देख लीजिए, आप लिस्ट मंगा लीजिए और जिन जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं, मैम मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं उनके घरों की स्थिति देख लीजिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, फीस देने के लिए मना करते हैं। मैं कोई स्कूल एसोसिएशन का वो नहीं फेवर नहीं कर रहा, मैं बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई भी देना चाहूंगा। उन्होंने ये जो हरियाणा में अफरा तफरी मच रही थी उसको खत्म किया और राइट टू एजुकेशन का नियम है हमारे पास, सभी बच्चों को वो एडमिशन दे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जो इसके अधिकार क्षेत्र में है, जो गरीब बच्चे हैं उनको उनका अधिकार मिले, इनको किसी को वंचित ना किया जाए। लेकिन गरीब बच्चों का एडमिशन ही कहां हुआ है? जो बच्चा आप नर्सरी में एडमिशन लेता है, एक डीपीएस में या डीएवी में या किसी भी बड़े स्कूल में लेता है, आठवीं क्लास में वो राइट इसमें 134 में लेकर आ जाता है, वो अब तक आठवीं क्लास तक कहां से फीस दे रहा था? ये जो सरकार ने एक सही दिशा में और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है ताकि इसमें किसी को भी कोई मुगालता नहीं रहे और जिन बच्चों को एजुकेशन सही मायने में मिल रही है तो हमारे पास एक्ट है, उस कानून के मुताबिक आप उन बच्चों को एजुकेशन दीजिए और कानून के मुताबिक आप वो करिए। अगर उसमें कोई कोताही करता है तो फिर सरकार के पास रूल रेगुलेशन है, उसका वो करिए। या इसको खत्म करने से पहले इसका सही मैकेनिज्म तैयार किया जाता है 134A का, और 134A में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको पूरी पहले वेरिफिकेशन होती है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उस परिवारों की वेरिफिकेशन होती है ये इस योग्य है या ये सुविधा लेने लायक है या नहीं है। मैं ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो फॉर्चुनर गाड़ियों में बैठ के आते हैं, उनके फादर के पास फॉर्चुनर गाड़ी है, 134A में एडमिशन लेते हैं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कुलभूषण जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बड़ी अच्छी बात कही सर ने, दोनों सरकारों के बारे में बताया और फिर बधाई भी दी मुख्यमंत्री जी को कि फॉर्चुनर व्यक्ति आ रहा है और मैंने देखा है। रंजिता जी के लिए आवाज बढ़ा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक व्यक्ति ने अगर गलती की है या गलत उसने प्रवेश लिया है तो क्या जो और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है घाज उन पर गिरनी चाहिए क्या? ये जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, जो आपने नियम और कानून बनाए हैं जो 134 के अंतर्गत उसके अनुरूप जो भी पात्र उसके लिए है मैकेनिज्म बनना चाहिए। मेरी मैं कह रहा हूँ तो उसका पैमाना जो है उसको जो पूरा करता है उसको एडमिशन मिलेगा और जो पैमाना पूरा नहीं करता है उसको नहीं मिलेगा, ये आपने बताया है। तो उसकी जांच का जिम्मा किसका है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा मानना इसके अंदर ये है, मेरा अपना आंकलन ये है कि सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल है, अभी मैडम कह रही थी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रही थी कि हमने बड़ा अच्छे तरीके से जो है इनको पैसा दिया और जिन्होंने रूल को पूरा नहीं किया रोक लिया, तो उसमें आपने एडमिशन क्यों होने दिया भाई? उस स्कूल की मान्यता समाप्त क्यों नहीं की आपने? हाँ। एक सोचने की बात है। ठीक है, ये और तो सबसे बड़ी आखिरी बात राज्य को पूछने दीजिए ना, आप यहाँ पर पेरेंट्स एसोसिएशन से आए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी, अभिभावक आप खुश हैं कि अब और ज्यादा बेहतर होगा? नहीं, या आपको अभी संशय है कुछ तो पूछ लीजिए। यहाँ पर अंजिता जी बैठी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक भद्दा मजाक अच्छा उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ किया गया है जो पिछले 4 वर्षों से सड़कों पर धक्के खा रहा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज 4 महीने पहले आप करते इस कार्रवाई को,
आप 4 महीने पहले बताए थे कि हम इसको निरस्त कर रहे हैं, जब वो लोग हाईकोर्ट में गए, उच्च न्यायालय पहुंचे हैं, और उच्च न्यायालय के अंदर अभी निर्णय जो आया नहीं है कोई, उसके बाद आपने निर्णय आया नहीं है जी, और आप जवाब मांगे हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है, तो जवाब तो दे नहीं पाए, और इन्होंने कहा कि हमने उस कानून को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये जो बदला मजा के लोगों ने किया है, आपके हो तो जल्दी पूछिए, रंजीता जी के पास जाऊंगे। पवन नेहरा, देखिए सवाल तो ये है, पहली बात तो ये कि गरीब बच्चों का जो हक देने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर किसी दूसरे का हक मारने की कोशिश सरकार के द्वारा 134A के तहत की जा रही थी, क्योंकि भुगतान तो किया नहीं जा रहा था और जो कीमत होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं थी। दूसरा, अब ये उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पैसा उनका नहीं दिया जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं थे। मैं रंजीता जी की नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि नॉर्म्स पूरे तब देखे जाते हैं तब उसको मान्यता दी जाती है, एडमिशन होने के बाद फीस का भुगतान करते टाइम नॉर्म्स नहीं देखे जाते। बिल्कुल ठीक, फीस का भुगतान एडमिशन के टाइम पे आपने देख लेना चाहिए था। इनको बोल लेने दीजिए, एक मिनट, आपके अफसरों को उस टाइम देख लेना चाहिए था। सुन लीजिए, आ रही हूँ राय सिंह जी, आ रही हूँ रंजीता जी, इससे होते हुए आऊंगे। उस समय देख लेना चाहिए था, आज जिस समय आप उस बच्चे का एडमिशन के लिए लिख के दे रहे थे कि फलाने स्कूल में आपका एडमिशन है, वहाँ चले जाइए, और उस स्कूल ने उसका एडमिशन ले लिया, तब तक नहीं हुआ, जब 6-7 साल के बाद हमने अपना पैसा मांगा तो अब कहते जी वो नॉर्म पूरे नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया, आप ऐसा बहाना लगा करके हमारे भुगतान से बच नहीं सकते। सवाल पहुंच गया, रंजीता जी जवाब दीजिए। आ रही राय सिंह जी, तुरंत बाद आ रही उनके। शुक्रिया मानिका जी, बड़े अच्छे सवाल है, सबका जवाब दूंगी एक एक करके। बिल्कुल, सबसे पहले तो सवाल किया गया कि मान्यता रद्द क्यों की नहीं की गई स्कूलों की जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते, तो आपको बताना चाहूंगी 2016-17 का सेशन, 17-18 का सेशन, 18-19 का सेशन, इन तीनों सेशन की पेमेंट 55,38,00,000 रुपया बकायदा स्कूल वालों के अकाउंट में डाली गई है। अगर किसी को संशय है तो RTE के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप चेक कर सकते हैं कि पैसे गए हैं कि नहीं गए हैं। 2020 में आपसे तो क्लेम मांगा गया, कई लोग उसमें जो कई पूरे ढंग से उन्होंने क्लेम को पूरा प्रोसेस नहीं भरा, जिसके तहत 17,22,00,000 रुपया आपका सेंक्शन हुआ पड़ा था पर आपके अकाउंट में नहीं डला था। जैसे जैसे आप नॉर्म और अपने क्लेम को ठीक करके भेजा, वो पैसा भी आपके अकाउंट में डाल कर गया। इसके तहत मैं आपको बता रही हूँ 70,58,00,000 रुपया हमने टोटल आपके अकाउंट्स में डाला। दूसरा सवाल आपने ये किया कि 134A में कौन सी कमियां थी जो आपने इसको लागू किया। 134A के तहत पहले ये निर्धारित नहीं होता था कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगा, आप 4-5 स्कूल का ऑप्शन अप्लाई करते थे और बाई चांस आपको ऐसा स्कूल मिल जाता था जो आपके घर से 15-12 किलोमीटर दूर होता था। उसके तहत आपके स्कूल की फीस तो आपको माफी मिल जाती थी, बट बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने पहले से पे करनी पड़ती थी, जिसके तहत पेरेंट्स बड़े परेशान होते थे कि हम जो स्कूल की बस की फीस है वो कैसे पे करें अगर हम गरीब हैं। तो दूसरी बात आती थी NCERT की बुक्स में कि जो स्कूल वालों ने बुक्स अपनी लागू की हुई है, महंगी दुकानों से मिलती है, वो वाली स्कूल की बुक्स लागू होती थी। तीसरी बात होती थी बच्चों को यूनिफॉर्म भी वही महंगी यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती थी जो प्राइवेट स्कूलों के आम दूसरे बच्चे पहनते थे, जिसके तहत वो भी उनकी पॉकेट से बाहर था। जनाब, इसके तहत अब सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। अब आपको सबसे नजदीकी स्कूल है उसमें आपके बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को जो शिक्षा लेना चाहता है वो वंचित नहीं रहेगा, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दाखिले के लिए पहले आपको याद होगा कि अप्रैल मई तक सिर्फ एप्लीकेशन ली जाती थी, पेपर होते थे, रिजल्ट आता नहीं था और दूसरे बच्चे पहले से स्कूल जाना शुरू कर देते थे। मई की छुट्टियां आ जाती थी, आज सिलेबस बच्चे कवर कर चुके होते थे, तब जाकर आपके बच्चों की एडमिशन होती थी। अब पहले दिन से, जब 1 अप्रैल से 4 अप्रैल से स्कूल खुलेगा, पहले दिन से आपका बच्चा स्कूल में RTE के तहत जाएगा और सभी बच्चों के साथ बराबर पढ़ेगा। आपको किसी भी बात की टेंशन की जरूरत नहीं है। और जहां रही भुगतान की बात, भुगतान में 60% जो है वो सेंट्रल पैसा दे रहा है और 40% जो है वो हरियाणा पैसा दे रहा है। और बात रही है, प्रोफेसर सुभाष सप्रा को लग रहा है कि आप लोग सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर गए, कह रहे थे ना, और वहाँ की दशा का और दुर्दशा का मैं कहूंगी कि वो जिक्र कर रहे थे। उनका जितने भी प्राइवेट स्कूल है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। पहले जो जितने भी प्राइवेट स्कूल है, अगर 25% कोटा RTE के तहत जो EDBLS बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे तो उनकी मान्यता सरकार रद्द कर देगी, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है। आप किसी भी स्कूल में RTE लगाकर किसी भी समय चेक कर सकते हैं, किसी भी क्लास के अंदर क्या उस स्कूल ने उस नॉर्म्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपका ये एडमिशन इस बार भी होंगे क्या?
बिल्कुल होंगे, एक से लेकर आठवीं तक के बच्चे इसके तहत आएंगे और नौवीं से बाद में जो पहले चल रहा था। ठीक है मैम, राय सिंह जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम, राय सिंह जी, सिंह साहब बोलिए। जी अनामिका, बोलिए सर। जी जी अनामिका जी, जिस प्रकार प्रवचन यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा है, हमें एक बात पूरी व्यवस्था में लगती है कि सरकार जो है वो प्राइवेट स्कूल नहीं चला रही है, बल्कि कुछ प्राइवेट एसोसिएशन के बड़े मालिक जो है वो सरकार को चला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इस प्रकार इन्होंने कहा कि कुछ नॉर्म्स पूरे हुए कुछ नॉर्म्स नहीं हुए इसलिए पैसा रोक दिया गया। पैसा रोकने का सिर्फ एक कारण है कि जो मोदी कमीशन सरकार हर विभाग से लेती है, चाहे वो खनन हो, रजिस्ट्री हो, गुटाला हो, जो भी आपके सामने है नौकरी में, यहाँ पर जिन्होंने मोदी कमीशन दी है उनको तो पैसा दे दिया गया, जिनको नहीं मिला। अरे बोलो, एक बात अब सुनिए आप, मैडम बीच में मत बोलिए, मैंने जो आपका प्रश्न, उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही, आप बोलिए ना, उनकी तो आवाज आई ही नहीं, बोलिए। मेरे कानों में आ रही ना जी, मेरे कानों में आवाज आ रही है उनकी, चलिए शांत है, बोलिए 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 बोलिए। दूसरी बात, इस प्रकार गरीब बच्चों के अभिभावकों को चिंता है, प्रदेश के लोगों को चिंता है। हाँ। एक बात अनामिका जी आप समझिए, राजनीति को छोड़कर, कि 7 साल से इस प्रोसेस को जारी करके यहाँ तक पहुंचे थे और 1 वर्ष से देखिए रिकॉर्ड आपके आपके टीवी चैनल के पास भी, कि किस प्रकार से बतावा करते थे सभी प्रवक्ता बैठ कर, यहाँ पर मंत्री यहाँ पर बैठकर दावा करते थे कि हम एडमिशन लेंगे। वो 40,000 बच्चे जो इस वर्ष जिनके माता पिता परेशान होकर घर बैठे हैं, क्या सरकार क्या व्यवस्था क्या भाजपा के लोग उनसे माफी मांगेंगे? अरे मैडम, सरकार के गीत का ठेका ले रखा क्या आपने? सुनो उनकी बात को आप। नहीं नहीं ऐसे नहीं सर, क्या तरीका हुआ वो बोल रहे हैं? आप उनको बोले दीजिए, आप संचालित ना करें। नहीं मैडम, बात नहीं, बीच में ना बोले, मैं बैठी हूँ ना, हम भी सुनना चाहते हैं, बैठे हैं, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे। नहीं हम भी तो सुनना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, क्या तरीका वो बीच में बोल रहे हैं? सरकार का गीत गाने का ठेका ये इस तरह की, और क्या कहें आप बताओ, बात को सुनना चाहिए, अपनी बात कहने का राइट है। देखिए अब ये टाइम क्यों हो रहा है, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मैं बैठी हूँ ना, करा रही हूँ ना चुप। उनकी तो इतनी तेज आवाज भी नहीं आ रही है, आवाज भी इतनी तेज नहीं आ रही है जितना ज्यादा आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। राज सिंह जी बात पूरी कीजिए, रंजीता जी मैम 2 मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए, आप नोट कर लीजिए प्लीज, आप तो बहुत ज्यादा धैर्य रखती हैं, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है और सबको आप ही ने जवाब देना है। राज सिंह जी पूरा कीजिए, हाँ पूरा कीजिए। अनामिका जी, इसी व्यवस्था के साथ जुड़ा एक और सवाल, एक और प्रश्न, एक और चुनौती समस्या जो है वो प्रदेश के अभिभावकों के सामने है। देखिए इस प्रकार पहले तो प्राइवेट स्कूलों को कहा गया, लोगों ने अभिभावकों ने परेशान होकर कहा कि फीस जो है वो नियम के अनुसार लें, लेकिन सरकार की किसी भी नीति ने अभिभावकों की मदद नहीं की। जब अभिभावक परेशान होकर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से निर्देश आया कि मिनिमम फीस ली जाएगी और किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं रोका जाएगा, किसी पर बच्चे का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। उसके बावजूद जब बच्चे अभिभावकों के साथ स्कूल में गए, वहां के जो डीओ पीओ 17 जिलों का रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे पास पूरे अभिभावकों के किए गए प्रदर्शनों का रिकॉर्ड है, उन्होंने प्रदर्शन किए, लेकिन पीओ और डीओ की कोई भी हैसियत सरकार ने नहीं छोड़ी कि वो प्राइवेट स्कूलों से दाखिला दिलवा दे। ये हालत है कि क्या फैंसी से बात करेंगे, इस प्रकार का भरोसा करें उनके ऊपर? अरे जो स्कूल की तलाबी में बच्चों की, गरीब बच्चों की तलाबी करते हो, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज तक आपकी बात पूरी हो गई, रंजिता जी जवाब दीजिए आप। नहीं, किस तरीके की लैंग्वेज दलावत वाली वाली बातें कर रही है, मैं आपसे बार बार एडवाइस कर रही थी, इनसे एक सवाल पूछिए कि जो आज इसकी तरह 25% मिनिमम लागू करने जा रहे हैं, उसमें कमी क्या है? अब वो पहले 134 दिन से बेहतर है कि नहीं है, तो उसका क्या कारण बताए? अब अजमेर बजमेर की बात है, पहले ये हुआ, वापिस हाईकोर्ट गए, इतने परेशान थे अभिभावक, इसके भी फैसला लिया गया, इसलिए तो आज ही को लागू करा जा रहा है, ताकि जो बच्चे हो, जो पेरेंट्स पहले परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानी को एक तरह से दूर किया जाए। जो दो साल से धक्के खा रहे थे, जिनकी एडमिशन लेट होती थी, जिनकी एडमिशन हो नहीं पा रही थी, आज ही के तहत उनकी एडमिशन हो पाए, और उसके अलावा 15% कोटा और बढ़ा दिया, ताकि जो बच्चे रह जाते थे उनको भी। कुलभूषण जी, जी मैं थोड़ा सा गंभीरता चाहूंगी आपकी ओर से। सर, आप डिबेट में फोन अटेंड कर रहे हैं जी, हमने जानबूझकर यहाँ पर एक अभिभावक के तौर पर आपको बिठाया पेरेंट्स एसोसिएशन से जी। आपने रंजिता जी को 2-3 दफा अब सुन लिया है,
वो राय सिंह जी सारंगी सवाल पूछ रही थी, लेकिन ये सवाल आपके लिए भी उतना ही जायज है कि अब आपको प्रॉब्लम क्या है अगर 10% रिजर्वेशन की जगह 25% रिजर्वेशन मिलेगा तो अब तो और ज्यादा व्यापक हो गया ना एडमिशन लेना। बहुत अच्छी बात, इसमें कुछ दिक्कत है या आप लोग भी वेलकम कर रहे हैं इस फैसले का? मैं बताता हूँ, यहाँ पर बैठकर इस वातानुकूलित कमरे के अंदर और जब हम बोल रहे हैं उसमें और जो सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की बात कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी, जी मैडम साहिबा, एक बार उन विद्यालय के अंदर जाकर आ रही हूँ। रंजिता जी आ रही हूँ। कोई रंजिता जी आप बोल लीजिए। कोई नहीं, बोलिए बोलिए। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, राय सिंह जी रुक जाइए प्लीज सर, बोले दीजिए, अभिभावकों को भी सुने बीजेपी कांग्रेस, बोलिए सर। हाँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी बीजेपी प्रवक्ता की। हाँ, इनको बीमारियां छोड़िए महाराज, बोले दीजिए। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरा गुरुग्राम साइबर सिटी, मेरा गुरुग्राम विश्व के मानचित्र के ऊपर, एक बार जो विद्यालय यहाँ पर है, जो संस्कृत शिक्षा और बड़ी बड़ी बातें हो रही है कर रही है प्रवक्ता साहिबा, एक बार उनका हाथ चल के देख लें, कहा वहां पर पीने के पानी के लिए स्वच्छ पानी है, वहां पर क्या शौचालय, वहां पर उनकी हालत क्या है, क्या बच्चों के बैठने के लिए बेंच है, क्या वहां पर भवन वो इस लायक है कि उसके अंदर बच्चे पढ़ सके। तो मेरा निवेदन ये है, दूसरी दफा ये सवाल उठ रहा है रंजिता जी, नोट कीजिएगा इस बार जवाब लूं। मैं आखिरी बात आपके चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए मैडम, बड़े सम्मान पूर्वक बड़े समझ नहीं रहे हैं इस पॉइंट को या दोबारा सुने। रंजिता जी कह रही है कि हम प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों की दशा का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? रंजिता जी ने सवाल ऐड किया आपके लिए, कोट किया है, बोलिए। अगर वो मेरी बात को धैर्य से सुनती तो मैं उनकी बात का समझ पाता। हाँ। अब उनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम सब मेरे से हम अपने शब्दों को हमारे मुंह में डाल रहे हैं। भाई हम तो सरकार ने गलत किया है, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं कि 4 महीने से अभिभावक और अपने बच्चों के साथ सड़कों पर जो धक्के खा रहे थे और आज से पहले जो बात कर रहे हैं कि हमने ये व्यवस्था कर दी है, कानून बना दिया है। तो गुरुग्राम के अंदर अगर हम, ये तो शिक्षा की बात है, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो बड़े बड़े अस्पताल है उनके अंदर भी आपने, अभी इसी में कम टाइम पड़ जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें भी आपने नियम कानून बना रखे हैं, कितने गरीब लोगों को वहां पर सुविधाएं मिल रही है। तो एक बार जितने प्राइवेट जो स्कूलों की बात कर रहे हैं, पहले तो प्राइवेट स्कूलों का पैसा नहीं दिया सरकार ने, और सरकार ने जब पैसा नहीं दिया और जब प्राइवेट स्कूलों ने, ठीक है रंजिता जी, जहाँ तक मैंने समझ पा रही हूँ कि 10% आप लोग नहीं दिला पाए प्राइवेट स्कूलों में, और आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल सरकार का गुणगान ना करें, सरकार की कमियों को भी बताएं। आ रही हूँ मैडम, ऐसे नहीं, रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। प्रोफेसर सुभाष, रंजिता जी को सुनने के बाद और अभिभावक को भी सुनने के बाद आप कुछ क्लियर हुए हैं इस पॉइंट पर, या अभी भी आपका सवाल जो का त्यों खड़ा है कि ये सरकार की नाकामी है? वास्तव में अभी जो ये जो नोटिफाई किया है, ये हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अनंत मोहन शरण जी ने अभी 2 दिन पहले ही किया है, ठीक है। और इसका अभी इन्होंने पूरी तरह से जो ड्राफ्ट है, पूरी जो डिटेल है, वो अभी हमारे सामने नहीं आई, किसी के सामने भी नहीं आई, वो अभी अंडर प्रोसेस है। वो शायद बीजेपी मैडम जो बैठी है वो तो बीजेपी के गुण गाएंगी, सरकार के गुण गाएंगी। सबसे बड़ी बात है 11,706 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, 11,706 बच्चों को, इसकी जिम्मेवारी कौन है? गवर्नमेंट है, जिन्होंने टेस्ट पास किया था, और ये घूमते रहे, लास्ट तक घूमते रहे। मैम आप जो दिखा रहे हैं हम जरूर देख लेंगे, एक मिनट सर, 11,706 बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, इसकी जिम्मेवारी लेते हुए आप लोगों ने इसे खत्म किया क्या? ये सवाल भी नोट कर लीजिएगा, मैं आऊंगी तब जवाब लूंगी। हाँ जी बोलिए। नंबर दो, अब ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, अब जैसे अभी हमारे साथी प्राइवेट एसोसिएशन वाले भी कह रहे हैं स्कूल वाले, ये गवर्नमेंट की ढील है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फॉर्च्यूनर में आते हैं और एडमिशन ले जाते हैं। 66,495 मतलब बच्चे आवेदन थे इसमें, 55,029 जो पहले प्राइवेट स्कूल में थे, 55,029 जो पहले से प्राइवेट स्कूल में थे वो एडमिशन ले गए इसमें, और इसी तरह से 11,466 जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, अब फायदा उनको होना चाहिए था। सर थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, ये आप डाटा जो दे रहे हैं कहाँ का डाटा है? ये हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का और न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। अच्छा,
कंवरपाल गुर्जर जी का बयान है, ये दैनिक जागरण का है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चे, चाहे वो साधन संपन्न थे, वो वेरीफाई क्यों नहीं करवाए? क्या वो वास्तव में वो उसके हकदार थे या नहीं थे? ये ढील किसकी है? ये गवर्नमेंट की ढील है। ये इसके खत्म होने से कौन इसका भुगतान, नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? जो बच्चे वास्तव में इसके हकदार थे उनको नुकसान, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने 134A को खत्म किया है, हाँ, तो इन खामियों पर वो बहुत अच्छे से डिटेल में बात करें कि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर चूक गए और इसलिए हटा रहे हैं। ये करते ही नहीं ना, ये तो आप चाहते ही रहे ना। बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, ये डेबिट क्रेडिट की लड़ाई चलती रही। बताओ, अब मैं बिल्कुल यहाँ पे रिपीट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कई बार बैठा हूँ, वो कहते हैं पैसे हमारे चले गए और हमें मिले। आर एस दहिया जी, आ जाऊंगी सर। आर एस दहिया जी, आज लंबा पैनल है इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा समय मिल रहा है, तो प्लीज कोई नाराज होकर यहाँ से ना जाए। आर एस दहिया जी, अब आप कहाँ पे सरकार को कहाँ खड़ा पाते हैं, और सरकार को क्या बहुत साफ गोई के साथ इस पर बोलना चाहिए? 134A के लिए नोटिफिकेशन आया तो राइट टू एजुकेशन के तहत जो 25% आरक्षण की बात कह रही है उसके लिए भी सरकार को बोलना चाहिए या केवल हम स्पोक्स पर्सन से बात करते रहे? मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार का सही दिशा में उठाया गया लेट कदम है। अच्छा। देर से, बहुत देर से उठाया ये, हाँ, इस कदम को, हाँ, क्योंकि जो बच्चे 134A में एडमिशन लेने जिनको मिलना चाहिए था ना, उसको तो आज तक 1% को भी नहीं मिला है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ जी, आप सबकी आप वो करवाइए, इंस्पेक्शन कराइए और सबके डाटा लीजिए प्राइवेट स्कूलों से। और मैं ये गारंटी देता हूँ, और ये हमारे कुलभूषण भारद्वाज जी बहुत बढ़िया वकील भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और बहुत अच्छे, बाय द वे ये बीजेपी से ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्यों अभिभावक, जिन अभिभावकों ना ना, जिन अभिभावकों, सुनो, आप भी कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं कर रहा। अरे सर, राय सिंह जी, इस पर तो आप नहीं बोले कि कुलभूषण जी बीजेपी से? सर, मैं भाजपा नहीं, मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा। मैं उन एक एक, मेरे को बोलने दीजिए, मैं एक एक सेकंड के लिए बोलूंगा। मुझे बोलने दीजिए, मैं आप ही के पास आया हूँ। राय सिंह जी, जब दया साहब ने ये कहा कि कुलभूषण जी कहीं ना कहीं बीजेपी से हैं और बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर तो खुश नहीं हुए आप? लेकिन आप यहाँ पर विश्लेषक को ही भाजपा ही बता रहे हैं। नहीं नहीं, माफी माफी सर, माफी सर, नहीं नहीं, बाद में दया साहब पूरा करें, आऊंगी। सिंह साहब, बड़े माफी सर, बोले मैं ये कह रहा हूँ मैम, इसकी अभी किसको लॉस हुआ? जो बच्चे सही मायनों में एडमिशन लेने लायक थे उनको आज तक एडमिशन नहीं दिया गया। जो बच्चे इस लायक ही नहीं थे अभी उनको, क्योंकि उनके परिवार संपन्न है, उनके माँ बाप संपन्न है, लेकिन आंखों में धूल झोंकते हैं। और वो जो इन्होंने सप्रा साहब ने डाटा दिया, वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, वेल एजुकेटेड बच्चे थे, वो फीस देते आ रहे थे, उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। उस गहराई तक भारद्वाज साहब, कुलभूषण भारद्वाज साहब को भी जाना चाहिए था, अंदर अंदर तक जाना चाहिए था। मैं तो ये कहूंगा, दोनों हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उन्होंने सही मैकेनिज्म तैयार नहीं किया। बीजेपी ने उसको एज डिटो रखा। अगर बीजेपी भी उसको मैकेनिज्म तैयार करती तो इतने लूप होल्स नहीं होते। हाँ, इतने लूप होल्स होते ही, ठीक है। पवन नेहरा जी, इससे पहले कि मैं राय सिंह सरकार को बधाई देता हूँ, दो बातें आपने सर, दो बातें आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ। ऐसा ही फिर ये लोग रह जाएंगे। पवन जी काफी देर से चुप बैठे। पवन जी, मेरा सवाल नहीं, आप अपनी बात रखिए, पहले मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अब राइट टू एजुकेशन के तहत 25% का रिजर्वेशन है, एडमिशन देना पड़ेगा, और ये तो नियम पहले से है, इस पर आप अपनी बात रखिए। देखिए, दहिया साहब ने दो बात कही कि किसी भी तरह से वो नियम जो लागू हुआ उसमें कितनी कमी थी कितनी नहीं, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहूंगा, ना मैं उसका विश्लेषक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट चले गए आप लोग कमियों को लेकर, आपके लिए नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं अपने पैसे को लेकर हाईकोर्ट गया, मुझे पैसा चाहिए। अभिभावक गए अपने अधिकारों को लेकर के हाईकोर्ट, उनको शिक्षा चाहिए। आरटी का जो एक्ट है, आपका राइट टू एजुकेशन है, वो पहले भी था, आज भी है। दूसरी चीज जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रंजीता जी ने कही कि भाई इसका ये फायदा होगा कि अब नजदीक के स्कूलों में आपका एडमिशन हो जाएगा, दूर का नहीं होगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि पहले कौन रोक रहा था नजदीक के स्कूलों में देने के लिए, ठीक है? और आरटी एक्ट भी पहले से था। रंजीता जी, दो सवाल आए हैं यहाँ पर, रुक जाइए, मैं आपको बोलने दूंगी। पवन जी, जा नहीं रही हूँ मैं अभी कहीं।
मैं राय सिंह जी से होते हुए आऊंगी। रंजीता जी पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, दो सवाल अभी दो लाइन में आगे पवन नेहरा की ओर से कि राइट टू एजुकेशन तो पहले ही था, इसमें नया क्या है कि आप कह रहे हैं कि हम और बेहतर लेकर आए हैं, तो था ही, आप 134 से लेकर आए उसमें नाकाम रहे और उसे नाकामी की वजह से वापस लिया, वो ये चाह रहे कि आप स्वीकारें। बात जल्दी खत्म कीजिए पवन जी। मैं इनको अब सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ इनको अच्छी सी, कि जो भी काम आप किसी को करते हैं पहले उसका अल्टरनेट ढूंढ करके, अच्छा राय सिंह जी जल्दी से और छोटा सा बोलिएगा सर, मेरे पास सिर्फ एक मिनट है। राय सिंह जी देखिए अंबिका जी, जिस प्रकार सभी सम्मानित प्रवक्ताओं ने और विश्लेषकों ने अपनी बात रखी है उसमें एक बात सारांश रूप से निकल कर आई है, इस सरकार बिल्कुल विफल रही है गरीब बच्चों को दाखिला देने में, बहकाने में सफल रही है और नए नए ड्रामेबाजी करने में और भी अव्वल रही है। अब ये नए नए राइट टू एजुकेशन सबके पास पता है, उसका अधिकार बहुत पहले था, सूचना का अधिकार बहुत पहले, रोटी का अधिकार बहुत पहले, ये सब चैट चीजें हैं, लेकिन किसके पास है? महंगाई कहाँ जा रही है? कोई महंगाई को रोकने का अधिकार बहुत है? ठीक है, हो गया नहीं, अब इतना सारा बोल देंगे बहुत व्यापक हो जाएगा, फिर तो मैं 10:30 बजे तक डिबेट करती रह जाऊंगी। देखिए एजुकेशन पे रहते हैं, केवल और केवल और केवल एक मात्र जनता को बहकाने का पूरा का पूरा। ठीक है, कौन बहका रहा है जनता को? रंजीता जी हो गया सर, प्रभु 30 सेकंड में जवाब लेने दीजिए, फटा डाउन कीजिए। रंजीता जी जवाब दीजिए जल्दी से सबको। पहले जो पवन नेहरा जी ने पूछा है पहले किसने मना किया था नजदीक के स्कूलों में एडमिशन के लिए, उसके लिए जवाब देना चाहूंगी कि अभिभावक से 3 ऑप्शन मांगी जाती थी कि कौन से 3 स्कूल है जिनको आप ऑफ करना चाहते हो, और हर अभिभावक सबसे पहले राय सिंह जी ऐसे में बिना जवाब लिए मुझे वाइंड अप करना पड़ जाएगा, मुझे लगता है कांग्रेस को जवाब चाहिए। सुनिए आप रंजीता जी जल्दी से, जो 3 स्कूल बेस्ट स्कूल होते थे शहर के, हर पेरेंट्स उन 3 स्कूलों का ऑप्शन बताता था। जैसे पंचकूला की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे भवन विद्यालय स्कूल है वो सेक्टर 15 में है, यहाँ पे हंसराज स्कूल है वो सेक्टर 6 में है, यहाँ पे लिटिल भवन स्कूल है। माफ कीजिएगा, बस ठीक है, कम रखिए एग्जाम्पल। आप सीधे सीधे शांत रहे रंजीता जी, सीधे सीधे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं कि 134 ए के तहत लूपहोल्स थे, हम नहीं ठीक कर पाए, हमने हटा दिया और हम वापस राइट टू एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। एक दंतविहीन जो है ड्राफ्ट कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था, उसके अंदर लूपहोल्स थे, कांग्रेस ने उसमें आधार दिया था गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए। मैम अगर कांग्रेस ने तैयार किया था लूपहोल्स थे तो हमने लागू क्यों किया? चलिए, अरे राय सिंह जी बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना सिंह साहब, सिंह साहब प्लीज भाषण नहीं, फेडे डाउन करने को कह रही हूँ मैं राय सिंह जी का, फेडे डाउन कीजिए। 10 सेकंड रंजीता जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। मेरा सवाल आप सुनिए, आप सारे सवाल साइड में रखिए, मेरा सवाल सुनिए, क्या सरकार इस बात को कबूल कर रही है जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस ड्राफ्ट लेकर आई थी, कांग्रेस ने लागू नहीं किया, इसमें लूपहोल्स थे और इसलिए अब हमने हटा दिया, तो आपने क्यों लागू किया लूपहोल्स थे? तो मैं देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए उसको लागू करना पड़ता है, मैं लागू की कमियां महसूस हुई, कमियां महसूस होती, तो आपने हटा दिया। ठीक है, उसको सिस्टम को चलाकर उन बच्चों को वहीन नहीं कर सकते, अंतविहीन सिस्टम को चलाकर बच्चों को एजुकेशन से वहीन नहीं कर सकते, सरकार का ये कहना है। आगे इन गरीब बच्चों की बेहतरी कैसे होती है, हरियाणा शिक्षा का हब कैसे बनेगा, गरीब बच्चों का सपना कैसे पूरा होगा, इस पर हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ पर आप आए और पैनल का हिस्सा बने। तो नियम 134 ए खत्म हो गया है, इसे स्वीकार कर लीजिए, राइट टू एजुकेशन के तहत ही अब एडमिशन मिला करेगा, 134 ए नहीं है, निकाल दीजिए जहन से। नमस्कार।